क्रिकेट जगत में हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं। कोरोना के बाद से ही नई टेक्नोलॉजियां लगातार क्रिकेट में आई जा रही हैं। ऐसा ही कुछ मंजर अब T20 ब्लास्ट में भी देखने को मिला, जहां पर बीच मैदान में एक गाड़ी ने दस्तक दी और उस गाड़ी की छत पर बॉल रखी हुई थी। आपको बता दें कि मंजर देखने वाला था, क्योंकि गाड़ी पिंक कलर की थी और उसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ था जिसमें व्हाइट यानी सफेद रंग की गेंद रखी हुई थी। इस गाड़ी ने जैसे ही मैदान में दस्तक दिया, सभी फैंस और मैदान में मौजूद दर्शक हैरान रह गए। आपको बता दें कि ये गाड़ी कोई पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी नहीं थी, बल्कि ये गाड़ी तो रिमोट कंट्रोल गाड़ी यानी कि एक खिलौना था जो बॉल को मैदान में लाने का काम किया था। आपने देखा होगा कि जब भी गेंद मैदान में आती है तो उसे एम्पायर द्वारा लाया जाता है या फिर एम्पायर खुद ही बॉल को अपने पास रखते हैं। लेकिन पहली बार क्रिकेट में ऐसा हुआ कि रिमोट कंट्रोल गाड़ी के जरिए बॉल को मैदान में पहुंचाया गया। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में यानी कि खेल जगत में पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मंजर फुटबॉल में भी देखा गया, जब इटली और तुर्की के मैच के दौरान फुटबॉल गाड़ी में रखकर मैदान में लाई गई थी, और यही कुछ क्रिकेट मैच में भी देखा गया है। ये उस दौरान कोरोना की महामारी से बचने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय कोरोना पीक पर था और किसी न किसी तरह से खेल में कोरोना को दूर रखना भी ज़रूरी था। वहीं ये टेक्नोलॉजी क्रिकेट में भी आजमा के देखी गई है, जहां यॉर्कशायर और सरे के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान गाड़ी में गेंद को रखा गया और मैदान में लाया गया। आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, क्योंकि लगातार ही अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तरह की टेक्नोलॉजी क्रिकेट में लगातार आती रहती है, कभी वो रोबोट हो या फिर अलग तरह का कैमरा हो, टेक्नोलॉजी और क्रिकेट दोनों का तालमेल लगातार बनता देखा गया है। इसी तरह की कई और तमाम वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए वन इंडिया को। इस बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता सकते हैं।